पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ब्लॉक मुंडापांडे क्षेत्र के विभिन्न गांवों में शौचालय के नाम पर लाभार्थी कर रहे हैं ग्राम प्रधानों को परेशान। ऐसा ही एक मामला अक्का डिलारी के सामने का आया है। लाभार्थियों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है कि शौचालय में दबकर मेरे चोट लग गई है, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि शौचालय सही बने हुए हैं। खुद ही सुन लीजिए लाभार्थियों की जवानी। लेकिन अब तक ग्राम प्रधान से अपने इलाज की बात कर रहा है। इलाज कराओ तो ठीक है, नहीं तो मुकदमा करा दूंगा। मुंडापांडे में आए दिन लाभार्थी प्रधानों को शौचालय गिराने की धमकी देते रहते हैं। अधिकारी ने भी सर्वे किया था, ग्रामीणों का क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं। अब्दुल हसीब, मैं कड़ीलाई से रहता हूँ और विकास उकास जो चल रहा है हमारे ग्राम में बहुत अच्छा चल रहा है। शौचालयों का काम भी बहुत अच्छा है। वो मामला ये है कि उसका शौचालय यूज़ तो कर नहीं रहा है वो। हम भी गए देखने के लिए उसके यहाँ, वो शौचालय गिर गया है। जानवर बांध रखे थे उसने, जानवरों के कारण गिर गया। अब वो उसे बनाने का तो कोई उसका मकसद है नहीं, क्योंकि उस पर तो हाँ वो पैसे कुछ आ रहा है प्रधान जी से। अच्छा। कि पैसे दिलवा दो, पैसे दिलवा दो। हमसे खुद का आ उसने कि पैसे दिलवा दो प्रधान जी से। और जो मैटर है वैसे कोई परेशानी नहीं, उनकी जाँच वाँच भी सारी सर्वे हुआ है। अधिकारी और लोग भी आए थे, सारे सर्वे करके गए हुए हैं। सब चीज़ बेहतर है हमारे, कोई ऐसा काम नहीं है। हाँ, पैसे की डिमांड कर रहा है। दास अरे साहब, मैं सुबह उस होकर उठा, शौचालय गया, लोटा हाथ में लेके मैंने जैसे लैट्रीन का किवाड़ खोला तो वो लैट्रीन गिर गई मेरे ऊपर और मुझे लोगों ने खींचा पत्थर उत्थर बचा के उसके ऊपर पीटे पीटे बचा कर, तो ये मुझे एम्बुलेंस गई और जिला अस्पताल को भर्ती कर दिया जाकर। मैं हुआ हाँ, प्रधान जी बोले कि मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, चलो दूसरे अस्पताल में भर्ती करूँगा। उन्होंने लाके मुझे एक प्राइवेट दुकान पर लिटा के और चले गए। उसके बाद आज तक ना उन्होंने एक रुपया लगाया है ना कहीं भी। लेके गए हैं मुझे, अब मेरी पसली टूटी हुई है जब से ही मैं कर्ज ले रहा हूँ और अपने ऊपर लगा रहा हूँ। आप क्या चाहते हो? अब मैं चाहूँ या तो मेरा साहब मेरे इलाज करें वो, और या साहब या ना तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा साहब।